जय किसान साथियों, आप देख रहे हैं ये गेहूं की फसल बिल्कुल वहां, और ये सामने वहां तक पूरी गेहूं की फसल है। और ये वैरायटी है 2851, इसके बारे में बात करेंगे हम आज, तो वीडियो में बने रहें। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैनी टेक फार्मिंग। इसमें गेहूं में इस बार पीलेपन की ज्यादा संभावना है। काफी मैंने फसल देखी थी गेहूं की, तो उसमें पीलापन है। ये देखिए आप, इसमें बिल्कुल भी पीलापन नहीं है। और ये 30 दिन की फसल है 2851 की। और इसमें मैंने क्या डाला था उसके बारे में बात करेंगे हम। मैंने पहले भी एक शॉर्ट्स डाला था उसके माध्यम से। और ये पूरे 30 दिन की फसल है, और इसमें मैंने 1 कट्टा यूरिया का डाला है अभी, और स्प्रे वगैरह मैंने इसमें कुछ नहीं किया है और ना ही आगे करूंगा मैं। और पानी लगा दिया मैंने एक, वो सामने फसल, वो 20 दिन की फसल है सामने वाली, ये वाली, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसमें मैंने उपचारित करने के लिए स्टीम रिच डाली थी। इसमें देख सकते हैं आप, सिया वीड एक्सट्रेक्ट है, जो गेहूं के बीज है, जो गेहूं है उसके दाने, एक एक दाना बाहर निकल जाता है, ऐसे नहीं है जमीन पे। इसमें लगभग 35 से 40 किलो प्रति बीघा बीज डाला गया है, लगभग 35 किलो के लगभग डाला गया है, तो पूरा बाहर निकल गया है। और बिल्कुल पौधे स्वस्थ है, एकदम हरे हैं, पीले होने की संभावना नहीं है। और दूसरा, मैंने इसको इंश्योर परफॉर्म के साथ उपचारित किया था। ये बीज के अंदर 180 किलो बीज के अंदर ये 100 ml डलती है 718 रुपये की। और इसकी खास बात ये है कि ये देख सकते हैं आप, इस पे लिखा हुआ है फ्रांस, फ्रांस से मैन्युफैक्चर है और इंपोर्ट हुई है इंडिया में, और रीपैकेज हुई है इसकी यहाँ दोबारा मुंबई की। ये BASF कंपनी है, BASF इंडिया लिमिटेड मुंबई की कंपनी, और फैक्ट्री इसकी डिस्ट्रिक्ट मोहाली पंजाब के अंदर है। इसका फायदा ये है कि 2851 की ये लिए ये स्पेशल है, सिर्फ 2851 में इसको ज्यादा डालते हैं इस दवा को, क्योंकि 2851 के अंदर जड़ के अंदर और छोटे मोटे रोग आते रहते हैं, जिसके कारण फसल नुकसान होने का ज्यादा ज्यादा संभावना रहती है। तो इसके अंदर डाला है, इससे फर्क मेरे को तो अभी तक महसूस हो रहा है इसके अंदर। अगर किसी किसान भाई ने इसको डाला है तो आप भी बताएं मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर। ये देखिए अंदर से पैकेजिंग इसकी ऐसे निकलती है, ये साल्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन को रोक के, वीडियो को रोक के। और इस दवा को मैंने पहले भी उपयोग में लिया है और इस बार भी लिया है। और स्टीम रिच है जो, ये स्टीम रिच को मैं 2 साल से हर फसल के अंदर काम में ले रहा हूँ। वो सामने आप सरसों देख रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी खड़ी है, उसके अंदर भी मैंने स्टीम रिच का उपयोग किया था। और आगे मैं वीडियो डालता रहूंगा, आप देख के बताना कि फसल में इससे कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा। किसी भाई ने अगर ये दवा उपयोग में ली है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा यूट्यूब चैनल जेनी टेक फार्मिंग को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय किसान साथियों।